शराबबंदी के मुद्दे पर मंत्री अमरजीत भगत ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गांधी जी बोलते हैं कि बुरा मत कहो और बुरा मत देखो। बता दें कि शराबबंदी के मुद्दे पर अमरजीत भगत ने चुप्पी अभी तक साधी हुई थी। इससे पहले भी जब उनसे शराबबंदी पर सवाल पूछा गया था तो वो बिना जवाब दिए ही निकल गए थे। आप संस्कृति मंत्री हैं और शराब पर लगाम नहीं लग रहे, संस्कृति से भ्रष्ट हो रही है, इस पर क्या कहना है? मेरे को बड़े पैमाने में मतलब छत्तीसगढ़ में क्या डोंगर सभी जगह वैसी है, मेरे को सुनाइए नहीं दिया आप क्या बोले। मैं बोला शराब के बारे में क्या कहना है बोले। नमस्कार, हम जो है सही में उस बात को क्लियर नहीं सुन पाए और लोग भी अपना प्रश्न कर रहे थे, उसका भी उत्तर वैसे गांधी जी बोलते हैं बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अब इसमें बुरा क्या था ये मंत्री जी बेहतर बता सकते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुझे सुनाई नहीं दिया, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बुरा सुनना नहीं चाहिए, तो दोनों चीजों में ही अपने आप में विरोधाभास है। और जो जवाब आया वो भी कोई बहुत अच्छा उनकी तरफ से नहीं आया है। हालांकि पहले उन्हें सुनाई नहीं दिया और अब जो जवाब आया है उसमें भी वो अटपटी सी बात कह गए हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दिया और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि बुरा सुनो मत। इसका मतलब उन्हें सुनाई दिया लेकिन वो जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर गए, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत फजीयत हो रही है इस वक्त उनके इस बयान को लेकर। और मोहन मरकाम ने भी हालांकि अब ये कह दिया है कि शराबबंदी नहीं होगी, पूर्णता वो उसके पक्ष में नहीं है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कुछ जगह जो रीति रिवाज होते हैं वहाँ भी महुआ का इस्तेमाल होता है और ख़ासकर जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर तो बड़ा मुश्किल है शराबबंदी करना। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार हो रही है लेकिन एक बड़ा मुद्दा था शराबबंदी का, अब उस पर ना मंत्रियों को सुनाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि पूर्णता हो नहीं सकती, हम समर्थन में नहीं है, यानी कि एक वादा तो मैनिफेस्टो का पूरा नहीं होगा। ढाई साल वैसे भी हो चुके हैं, अगले ढाई साल में भी कोई उम्मीद इन बयानों को देखते हुए तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पहले सुनाई नहीं देता था मंत्री जी को सवाल और अब शराब का नाम उन्हें बुरा लगने लग गया है। एक तरफ सरकार को राजस्व मिलता है लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि शराब का शब्द ही उन्हें सुनाई नहीं देता है क्योंकि गांधी जी कहते थे बुरा मत सुनो। तो लगातार बयान आ रहे हैं और इस बार भी जो बयान आया वो ऐसा था जो कि उम्मीद नहीं थी कि इस तरह अटपटा सा बयान वो देंगे। वो उस पर माफ़ी मांग सकते थे, जवाब दे सकते थे लेकिन कुछ इस तरह से वो रिएक्ट कर गए फिर से, जिस पर विवाद होगा। लगातार बीजेपी इसे मुद्दा बना भी रही है और जाहिर बात है कि अब ये आगे जाके विवाद और बढ़ेगा ही, कम होने वाला ये फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। आदित्य नामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, सेंसिबल जवाब आ सकता था, माफी हो सकती थी लेकिन यहाँ तो और अटपटा सा जवाब दे गए वो। देखिए यही वो सब कारण होते हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के मुखिया को तकलीफ में डालते हैं। देखिए जब आप राजनीति में होते हैं तो अगर आपको किसी चीज का जवाब नहीं देना है तो उसका अलग तरीका होता है। आप तंज नहीं कर सकते या आप ये नहीं समझ सकते या ये नहीं बोल सकते, ये नहीं दर्शा सकते कि सामने वाला जो पूछ रहा है या वो कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं सुन पा रहा है या आप सुनते हुए अनसुना कर रहे हैं, ये गलत लगता है और होना भी नहीं चाहिए था राजनीति में। क्योंकि अमरजीत भगत अगर ये बोल रहे हैं बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, तो ये उन्होंने सुना तब तो वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और जिस आवाज में इतनी भीड़ में सबको सुनाई दे रहा है तो क्या वो केवल अमरजीत भगत को नहीं सुनाई देता? वो बयान अगर हुआ था तो उसमें माफी मांग लेनी चाहिए कि मैं उस समय बस वहीं पर बात खत्म हो जानी चाहिए। फिर ये गांधी जी ने ये कहा है, ये सब चीजें वो है कि ये बताने के लिए कि मैंने सुना तो था लेकिन मैं सुन के अनसुना कर दिया। ये चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि ढाई साल पहले आपने वादा किया था घोषणा पत्र के 36 बिंदुओं में पूर्ण शराबबंदी का वादा था आदिवासी इलाकों को छोड़कर। अगर वो सवाल जनता आपसे कर रही, पत्रकार क्योंकि जनता की आवाज होता है, अगर वो सवाल आपसे कर रहा है तो उसका जवाब आपको आना चाहिए। उस सवाल को फिर से आपको एक सवाल के रूप में नहीं बदलना चाहिए। तो फिलहाल तो कमियां हैं कहीं ना कहीं कुछ कैबिनेट मंत्रियों के इस प्रकार के बयान से, निश्चित तौर पर सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है। और ये अब एक ऐसा मुद्दा बन गया है आदित्य कि ना ये उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। कल मोहन मरकाम ने भी साफ कर दिया कि पूर्णता शराबबंदी तो नहीं होगी, तो उलझ गए हैं क्या इसमें तमाम मंत्री नेता? हेलो जी, ये जिस तरह का मुद्दा बन गया है, जिस तरह के बयान कल मोहन मरकाम का भी आया,
क्या बहुत ज्यादा उलझन हो गई है, एक ऐसा मुद्दा बन गया जो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है? देखिए लोकेश जी, मोहन मरकाम के बयान को मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि मोहन मरकाम ने बयान बहुत साफ दिया है कि हमारी सरकार ने यह तय किया था, और निश्चित तौर पर जब विपक्ष में थी कांग्रेस, तो कांग्रेस ने यह तय किया था कि शराबबंदी तो होगी लेकिन अधिसूचित क्षेत्र को छोड़कर, मतलब जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर महुआ का उपयोग होता है पूजा पाठ जब होती, तो उस इलाकों में वैसे भी कांग्रेस ने पहले से ये तय करके रखा है, उन 36 बिंदुओं में शामिल है कि आदिवासी क्षेत्रों में शराबबंदी नहीं होगी। उसी बात को उन्होंने रिपीट किया, वो बड़ी बात नहीं थी हाँ, लेकिन जो डेडिकेशन होना चाहिए था शराबबंदी के लिए वो बयान में नजर नहीं आया, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई। और वो बयान को अमरजीत भगत का देखें तो वो तो और ऐसा लगता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया गया, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, उस टाइप का बयान वो गलत है। मोहन मरकाम के बयान पे जो उन्होंने बयान दिया है वो निश्चित तौर पर उनको ये बात जरूर करनी चाहिए कि हम बहुत तेजी के साथ पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक साल डेढ़ साल जब भी टेन्योर देते हैं तो इस चुनाव के पहले हम शराबबंदी करेंगे। बिल्कुल, इस तरह का जवाब आ सकता था, संस्कृति मंत्री है, बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास, लेकिन बड़ा अटपटा सा बयान आया। शुक्रिया आपका आदित्य जुड़ने के लिए। लेकिन विपक्ष निशाना साध रहा है इस पूरे मामले को लेकर, रमन सिंह ने तंज कसा है और उन्होंने ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने लिखा है कि पूर्व कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा कि कांग्रेस की शराब नीति है, शराबबंदी पर सवाल करो तो मंत्रियों को सुनाई नहीं देता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं हमें गंगा जल की कसम ही नहीं खाई, अब कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री कहेंगे हमने शराबबंदी का वादा ही नहीं किया, इसलिए जनता कह रही है वक्त है पछताव का।